फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जून रिफाइनिंग एंड वेपर फेस रिफाइनिंग। ये लास्ट प्रोसेस होता है, जैसे एक्सट्रैक्शन आपने पहले ओर को कंसंट्रेट करा, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करा, लास्ट प्रोसेस आ जाता है हमारा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं जून रिफाइनिंग और वेपर फेस रिफाइनिंग। इन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार वो हमें एलिमेंट दे देगा, ये मेटल दे देगा, बोलेगा ये कौन से प्रोसेस से हम इसको रिफाइन करेंगे, या कई बार प्रोसेस दे देगा, बोलेगा इन प्रोसेस से किस मेटल को हम रिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जून रिफाइनिंग। तो मैं पहले जून रिफाइनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। जून रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहला तो इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कौन कौन से मेटल हम इसमें प्यूरिफाइड कर रहे हैं, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल क्या है कि इसका प्रिंसिपल है कि इंप्योरिटीज जो होती हैं, इंप्योरिटीज मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, मोल्टन स्टेट। पहला तो इस पे काम करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम पे जिसको हमने प्योर करना है उसको मोल्टन स्टेट में लेकर के आए, और धीरे धीरे उसको क्या करें, सॉलिडिफिकेशन करें, जिससे कि इंप्योरिटीज आगे आगे चलती जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे जून रिफाइनिंग। अच्छा, कौन कौन से मेटल है, देखो इसमें अधिकतर हम सेमीकंडक्टर लेते हैं, सेमीकंडक्टर, स्पेशली याद रखना जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम, बोरोन और सिलिकन। तो आपने दो चीजें ध्यान रखनी है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन कौन से मेटल के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो देखो अब इसको समझ लेते हैं, जून रिफाइनिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से बना है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जिस मेटल को हमने, अच्छा एक चीज और, ये जो है हाई क्वालिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बिल्कुल पीपीएम में उसकी इम्प्योरिटी चाहिए, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ही कम इम्प्योरिटी उसमें चाहिए, तो जाकर के हम इन रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए हर चीज के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये मैंने लगा रखे रोलर, ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, मेटल को इसमें इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए ये कोई ट्यूब है, दोनों तरफ से क्लोज है, इसमें मैंने जिसको प्योर कर रहे हैं जर्मेनियम गैलियम, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, यहां यहां पे हीट दी, तो क्या होगा, जितनी भी इंप्योरिटीज हैं ये पोर्शन पूरा आपका पिघला हुआ होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, है ना। ये आगे आगे रोलर करते रहेंगे तो पीछे पीछे का जो है जल्दी से ठंडा होकर सॉलिडिफिकेशन सॉलिड के उसमें चेंज होता जाएगा, तो इम्प्योरिटी सॉलिड में न जाकर के मोल्टन के साथ आगे आगे जाती रहेगी। ये प्रोसेस हम कई बार रिपीट करते हैं तो इम्प्योरिटीज एक जोन की तरफ आ जाएगी और एक जोन में हमें मिल जाएगा प्योर। तो आप क्या देख रहे हो, मोल्टन ठंडा गर्म करने के बाद हम उससे क्रिस्टल बना रहे, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कई बार, आप ये भी देखोगे, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो समझ में आ गया आपके, तो यहां यहां पे आपको प्योर मिलता चला जाएगा और इधर की तरफ आपको इम्प्योर, इसको प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे, इस तरीके से हम इसे क्या कर देते हैं, प्योर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेपर फेस। इन दो से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है, वेपर फेस रिफाइनिंग। वेपर फेस रिफाइनिंग में हम क्या करेंगे, पहला तो इसका आ जाएगा प्रिंसिपल क्या है भाई, ठीक है, प्रिंसिपल। दूसरा कौन कौन से मेटल हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल काम कर रहा है इसमें यह है कि इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटी कैन नॉट गो टू वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब ये वेपर में, बोलू मतलब वेपर में कभी भी इम्प्योरिटीज नहीं जाती, इम्प्योरिटीज हमेशा नीचे रह जाती है। कौन कौन से मेटल हम इसमें करते हैं, तो मेनली हमारे पास आता है तो टाइटेनियम, और दूसरा आ जाता है हमारे पास जर्कोनियम, ठीक है। अब इस प्रोसेस को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और किस किस मेटल के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम में, टाइटेनियम के केस में क्या होता है, एक हम मेटल लेंगे जो उसको वोलाटाइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब वो प्योर मेटल को लेकर के जाएगा, उसमें वोलाटाइल में कन्वर्ट कर देगा, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी। दूसरे जार में उसे कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा उसमें कुछ हीट ज्यादा दे करके हम उसको फिर अलग अलग कर देंगे, तो हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा प्योर मेटल, ठीक है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, मैं टाइटेनियम का ले रहा हूँ, तो मैंने टाइटेनियम लिया, ठीक है, टाइटेनियम को आयोडीन के साथ, ठीक है,
एडन के साथ हमने 500 केल्विन पे हीट करा, तो होगा क्या, ये इसके साथ एक वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा टाइटेनियम टेट्राइडाइड, ठीक है। अब ये वोलाटाइल है तो ये क्या चला जाएगा, इसको हम दूसरी जगह में कन्वर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। बाद में इसी को अगर हम ज्यादा टेम्परेचर में हीट करेंगे तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, टाइटेनियम, और यहां से हो जाएगा आयोडीन अलग। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, यहां पे टू लगा देते हैं, लेकिन तो देखो ये भी टाइटेनियम लेकिन ये क्या है, इम्प्योर, और ये क्या है, हाईली प्योर। कंफ्यूज तो नहीं हो रही, दोनों तरफ टाइटेनियम है। क्या किया, एक कंपाउंड के साथ ट्रीट किया जो इसको वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। वोलाटाइल को आप अलग से ये वेपर में, वोलाटाइल मतलब जो जल्दी से वेपर में चला गया, आप दूसरी जगह कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है जिरकोनियम का, ठीक है। तो यहां पर हमने जिरकोनियम ले लिया, इसके साथ भी क्या ले लिया हमने, आयोडीन, ठीक है। इसको हमने 800 अराउंड के आसपास केल्विन पे हीट करा तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर वही जिरकोनियम टेट्राइडाइड, वोलाटाइल कंपाउंड है, कलेक्ट करेंगे और फिर हम इसे फर्दर ज्यादा केल्विन पे इसे हीट करेंगे जिससे कि हमको ये दोनों ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, और फिर मुझे मिल गया जिरकोनियम और आयोडाइड, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली प्योर। तो पहला जो हमने करा है वेपर फेस में, ये टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए करा है। तो इन दो के लिए अगर हम करते हैं इस तरीके से, आयोडीन को एज ए वोलाटाइल कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं वैन आर्कल प्रोसेस, ठीक है। तो वेपर फेस के अंडर अगर आप आयोडीन को लेकर कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे वैन आर्कल। तो अब सेकंड, हम वेपर फेस के अंदर पहले हमने वैन आर्कल देख लिया, अब पढ़ते हैं मॉन्ट्स। मॉन्ट्स में हम जो इस्तेमाल करते हैं कौन सा मेटल है, ये है हमारे पास निकेल, ठीक है। तो अगर हम पूछो वैन आर्कल में तो आप बोलेंगे जिरकोनियम और टाइटेनियम, ठीक है। और अगर मॉन्ट प्रोसेस में हम कौन से मेटल को हाईली प्योर प्योरीफाइड करते हैं, हाईली प्योर मेटल बनाते हैं, तो हम बनाते हैं निकेल का। इसका प्रोसेस क्या है कि हम निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ क्या करते हैं, इसकी वेपर को इसके ऊपर से पास आउट करते हैं अराउंड 350 to 370 केल्विन पे, ठीक है। और ये क्या बना देगा, कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये बना दिया आपको कार्बोनिल। काम वही है, वेपर फेस है तो वेपर में जाना, मतलब ये क्या है हमारा, वोलाटाइल इन नेचर, ये तुरंत ऊपर उड़ जाएगा और इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड, वो नीचे रह जाएंगी, वो उसके साथ नहीं जाएंगी। और अगला आपने क्या करना है, फर्दर इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे इससे ज्यादा केल्विन पे जिससे कि दोनों प्योर प्योर फॉर्म में आ जाए और ब्रेक हो जाए। तो यहां मेरे को मिल जाएगा निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा है हाईली प्योर और ये है आपका इम्प्योर। ये मेथड स्पेशली हम तभी यूज करते हैं जब हमें हाई क्वालिटी ऑफ प्योरिटी के एलिमेंट या मेटल हमें निकालना।